हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम, इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने दो पार्ट इसके कवर कर लिए। सेकेंड पार्ट था इसका कुर्ग और फर्स्ट पार्ट था अबेक फ्रॉम गोवा। तो दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। आप देखते हैं टी फ्रॉम आसाम का। प्रांजोल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे का नाम गिवन है प्रांजोल, जो कहाँ का है, आसाम का है। ठीक है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। जो राजवीर का क्लासमेट है, जिनकी स्कूल कहाँ पर है, दिल्ली में है। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। और जो प्रांजोल है, इसके फादर कौन है, मैनेजर है एक टी गार्डन के, जो कहाँ आता है, अपर आसाम में। एंड प्रांजोल हैज़ इन्वाइटेड, और प्रांजोल ने इन्वाइट किया है राजवीर को टू विजिट हिज होम, उसके घर को विजिट करने के लिए ड्यूरिंग द समर वैकेशन, जब समर वैकेशन चल रही होती है। सो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक तो प्रांजोल नाम का लड़का है और दूसरा है राजवीर। दोनों फ्रेंड है, दोनों क्लासमेट है, दोनों दिल्ली के स्कूल में जाते हैं। बट ये जो प्रांजोल है ना, ये आसाम से है। ठीक है। और प्रांजोल के जो फादर हैं, ये मैनेजर है एक टी गार्डन के, जो कहाँ आता है, अपर आसाम में आता है। सो प्रांजोल क्या करता है, राजवीर को इनवाइट करता है उसके आसाम आने के लिए, है ना, उसके घर आने के लिए, क्योंकि अब जो है समर वैकेशन उनकी चल रही है। सो देखते हैं इनका कन्वर्सेशन। ठीक है, प्रांजोल और राजवीर का। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच वॉइस। अब क्योंकि देखो वो लोग दिल्ली में आसाम जा रहे, सो हो सकता है किसी चीज इससे जा रहे हो, जैसे कि ट्रेन वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एकदम से आवाज़ आती है चाय गरम गरम चाय। जो वेंडर होता है, चाय बेचने वाला होता है, वो एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। ही केम अप देयर विंडो एंड आस्क, चाय साहब गिव अस टू कप्स, प्रांजोल सेड। फिर वो जो वेंडर है, वो विंडो के पास आ जाता है जहाँ पर प्रांजोल और राजवीर बैठे थे, और पूछता है चाय साहब चाय लोगे, तो फिर प्रांजोल जो है वो बोलता है गिव अस टू कप, हम दोनों को दो कप चाय दे दो। दिस सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। फिर देखो यहाँ पे क्या बताया, दोनों जो है वो सिप करते हैं स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीम मतलब जहाँ से भाप निकलती हो, हॉट लिक्विड वो टी है, टी में से भाप निकल रही है, तो इतनी गरम गरम चाय की वो क्या कर रहे हैं, सिप मतलब चुस्किया ले रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट, तो उनके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, टी ड्रिंक कर रहे हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। इस बात पर राजवीर क्या बोलता है, क्या तुम्हें पता है पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 8 करोड़ कप जो है टी के, वो ड्रिंक किए जाते हैं। मतलब एक दिन की बात चल रही है और पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है वो ड्रंक किए जाते हैं, ऐसा राजवीर का कहना है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजोल। अब देखो ये बात सुनकर प्रांजोल क्या बोलता है, व्यू, व्यू मतलब ये वाव टाइप का एक्सप्रेशन है। ठीक है। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, और क्या बोलता है, टी सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत फेमस है टी। द ट्रेन पुल्ड आउट द पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। फिर क्या होता है, ट्रेन जो है वो पुल्ड आउट हो जाती है, स्टेशन से निकलती है, और जो प्रांजोल है वो क्या करता है, अपनी डिटेक्टिव बुक वो रीड कर रहा होता है, फिर से उसी में जो है वो डूब जाता है, मतलब वो बुक रीड करने वो लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनेरी। अब जो राजवीर है, इसे भी डिटेक्टिव बुक रीड करना पसंद है, बट इस टाइम वो क्या कर रहा है, जो ब्यूटीफुल सीनेरी दिख रहे हैं ना विंडो में से बाहर, उसे देखने में राजवीर बहुत ही ज़्यादा बिजी है अब, क्योंकि उसको बुक रीड करने से अच्छा क्या लग रहा है, बाहर की ब्यूटीफुल सीनेरी देखना। इट वॉज ग्रीन, क्या था बाहर, ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह मतलब ग्रीन ही ग्रीन था, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने ऐसी ग्रीनरी तो पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। अब देखो अब तक जो है पैडी फील्ड चल रही थी, पैडी मतलब राइस की खेती होती है ना, अब इसके बाद जो है वो टी बुशेस मतलब टी की जो झाड़ियाँ होती है, इनका जो बागान है वो लगना
शुरू हो गया था। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। मैग्निफिशेंट व्यू हम बोल सकते शानदार व्यू। ये सब कुछ कैसा था? बिल्कुल एक शानदार सा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप क्या होता है? बैकग्राउंड में, है ना। सो बैकग्राउंड में क्या है? तो बुशेज ही बुशेज है। किसके? टी के। मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती हो वहाँ तक क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ टी के बुशेज ही देखेंगे। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज ब्यूजली मूव डॉल लाइक फिगर। अब इन लाइन्स में क्या बताया? ड्वार्फिंग। ड्वार्फिंग मतलब होता है किसी मतलब छोटी सी चीज़ को बोलते हैं ड्वार्फ, ठीक है। एक होता है टॉल और दूसरा होता है टॉल मतलब बहुत लंबा बोल सकते हैं, और ड्वार्फ मतलब बहुत छोटा, हाइट कम हो गई, ठीक है। सो टाइनी टी, टी के जो पौधे हैं वो कैसे हैं? ड्वार्फ है, छोटे छोटे हैं। और इनके पास पास में क्या लगा है? स्टडी। स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ का शेड लगा हुआ है। मतलब ट्रीज़ जो है ना, लंबे लंबे से ट्रीज़ के पेड़ पौधे हैं। मतलब यहाँ पे ये वाला जो है बड़ा प्लांट हो गया, यहाँ पे ये बड़ा प्लांट, और बीच बीच में छोटे छोटे क्या होंगे? टी के प्लांट्स होंगे, ठीक है। सो वही यहाँ पे बताया कि इन बड़े बड़े प्लांट की वजह से, लंबे लंबे प्लांट की वजह से जो टी के प्लांट हैं वो कैसे लगते हैं? ड्वार्फ मतलब छोटे छोटे लगते हैं। और वहाँ पे ऐसा लगता है रोज़ बनाकर जो है वो टीज के प्लांट लगाए गए। मतलब क्या कि इस रो में टी के प्लांट है, फिर यहाँ पे जो है ना गैप छूटेगी, फिर यहाँ पे टी के प्लांट है, फिर से गैप छूटेगी, फिर से टी के प्लांट। तो ये इस गैप में क्या करती है? जो मतलब वर्कर होती है ना, हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्लग करने वाली टी के लीव्स को, वो लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं और इन प्लांट से क्या करते हैं? टी के लीव्स को प्लग करते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं? बिल्कुल डॉल लाइक फिगर्स वो दिखते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। फिर क्या दिखता है राजवीर को? एक अगली बिल्डिंग दिखती है जिसमें जिस पर क्या लगी होती है? चिमनी। और उस चिमनी में से क्या निकलता है? ब्लोविंग आउट। इसका मीनिंग क्या होता है? ब्लोइंग आउट का धुआं जो है ना वो लहराते हुए बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऐसी बिल्डिंग भी दिख जाती है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो जैसे ही टी गार्डन दिखता है, राजवीर एकदम से चिल्लाने लगता है एक्साइटमेंट में कि देखो टी गार्डन आ गया। प्रांजुल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडेंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। अब राजवीर तो देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया, बट प्रांजुल जो है वो तो यहीं पर पैदा हुआ है ना, वो तो यहीं पर पला बड़ा है। सो उसको कोई मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो वो कुछ शेयर वगैरह नहीं करता राजवीर के साथ उसका एक्साइटमेंट। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड। फिर क्या बोलता है प्रांजुल? ये क्या है? टी कंट्री है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और बताता है कि सबसे ज़्यादा आसाम में ही लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है प्लांटेशन का पूरे वर्ल्ड में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा गार्डन देखोगे कि तुम्हारे लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए तुम उन्हें याद रखोगे। इतने ज़्यादा प्लांट्स तुम यहाँ पर देख सकते हो। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो राजवीर क्या बोलता है? मेरे से जितना हो सकता था मैंने इन टीज के बारे में, टी प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। क्या बोलता है राजवीर कि किसी को नहीं पता कि टी को किसने डिस्कवर किया, लेकिन ऐसी बहुत सारी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स मतलब कहानियाँ है। वॉट लेजेंड्स? फिर यहाँ पर प्रांजुल बोलता है कैसी कहानियाँ? वेल देयर्स अ वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। फिर राजवीर बताना स्टार्ट करता है। एक स्टोरी ऐसी है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा क्या करता था? वाटर को बॉइल करता था पीने के लिए। फिर क्या होता है? वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वॉटर गिविंग इट डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या होता है? ट्विग मतलब टहनी। तो एक प्लांट की जो टहनी है उसके जो लीव्स है वो गिर जाते उस बॉइल हो रहे वाटर में, और इससे क्या होता है? उस वाटर को ना डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है उस लीव्स की वजह से। इट इज़ सेड देवर टी लीव्स। और फिर यही से जो है टी लीव्स का मतलब हम बोल सकते कि डिस्कवरी हो गई। टेल मी अनादर स्कॉप्ड प्रांजल।
फिर प्रांजल क्या करता है, बोलता है कि मतलब मुझे और स्टोरी बना बताओ। स्कॉप्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाते हुए बोलना। तो राजवीर का मजाक उड़ाते हुए क्या बोलता है, चलो चलो ये एक स्टोरी हो गई, और बताओ और लेजेंड्स जो है उनके बारे में बताओ। सो राजवीर फिर से बताना शुरू कर देता है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, मतलब एक इंडियन लेजेंड भी है टी लीव्स के डिस्कवरी के बारे में, जिसका नाम क्या है, बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आई लीड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो इसने क्या किया था, इस बोधिधर्मा ने अपने जो आई लीड्स है ना पल के, इन्हें ही काट लिया था, मतलब एकदम से निकाल कर फेंक दिए थे अपने आई लीड्स को। क्यों किया था, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करता था उस टाइम उसे बहुत ही ज़्यादा स्लीपी, मतलब उसे नींद आती थी उस टाइम। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आई लीड, अब उसने आई लीड तो निकाल कर फेंक दी, फिर उसके आई लीड से 10 जो है टी प्लांट ग्रो हो गए थे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब इन पौधों के जो लीव्स हैं इन्हें हॉट वाटर में डाला गया और इसे ड्रिंक कर देखा गया, बैनिश्ड स्लिप, तो ड्रिंक करते ही क्या हो, बैनिश्ड मतलब भाग जा रहा, नींद जो है वो भाग गई थी बिल्कुल। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर बोलता है कि टी जो है, चाय जो है, सबसे पहले कहाँ ड्रिंक की गई थी, तो चाइना में ही। एज फार एज 2700 BC, इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, और क्या बोलता है, इतना ही नहीं तो ये जो वर्ड है टी, चाय और चीनी, ये कहाँ के है, तो चाइनीज वर्ड ही है। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो ड्रिंक करने वाली बात है ना, सबसे पहले चाइना में की गई थी, तो ये कब की बात है, एज़ फार बैक एज 2700 BC। इसका मतलब क्या कि अभी जो है हम कौन से साल में जी रहे हैं, 2023 है ना, ये चल रहा है, तो इसके पहले का, ठीक है, 2700, जब भी आपको BC दिखता है सो आपको समझ जाना है कि इसके पहले के जो हो चुके हैं, है ना, पास्ट में, वो वाले ईयर्स की यहाँ पे बात चल रही है। तो बहुत पुराना टाइम है, तब की बात है कि चाइना में फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया गया था टी को, ठीक हो गया। और ये जो वर्ड है टी, चाय, चीनी, ये कौन से वर्ड है, तो चाइनीज़ लोग ही इनका यूज़ करते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। और देखो ये जो टी है ये यूरोप में कब आया था, 16th century में। 16th century मतलब कौन से ईयर यहाँ पे आते हैं, 15 वाले ना, 1500 से लेकर 1600 तक, ठीक हो गया। तो इस सेंचुरी में जो है यूरोप में आया था टी, और वहाँ के लोग जो है इस टी को कैसे ड्रिंक करते थे, एज अ मेडिसिन नॉट अ बेवरेज, ठीक है। द ट्रेन क्लटर्ड इन टू मरियानी जंक्शन, फिर ट्रेन कहाँ पे आके कहाँ आती है, मरियानी जंक्शन पे। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, फिर जो बॉयज़ है मतलब कि प्रांजल और राजवीर अपना लगेज इकट्ठा करते हैं और निकलते हैं ट्रेन में से बाहर, ठीक है। प्रांजल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पेरेंट जो थे वो तो वेटिंग कर रहे थे इनका। सुन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकियाबारी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, फिर वो लोग क्या करते हैं ट्रेन से उतरने के बाद, प्रांजल के फादर आते हैं उन्हें पिक करने के लिए, और फिर वो जाते हैं ढेकियाबारी में जो कि एक टी गार्डन है जिसे मैनेज करते प्रांजल के फादर। एंड आर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और फिर क्या होता है मेन रोड से वो निकल जाते हैं, ठीक है, एक घंटे के बाद। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, और फिर एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं एंड एंटर ढेकियाबारी टी इस्टेट, और कहाँ एंटर करते हैं, ढेकियाबारी टी इस्टेट में। कैटल ब्रिज क्या होता है, किसी रिवर या फिर हम बोल सकते हैं किसी नाले के ऊपर बना हुआ होता है ना ब्रिज, तो उसे बोलते हैं कैटल ब्रिज। फिर वो कहाँ आते हैं, ढेकियाबारी टी इस्टेट में आते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर्क एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेज, और देखो बोथ साइड, ग्रेवल रोड जो था उसके दोनों साइड, मतलब यहाँ से रोड है तो इसके इस वाले साइड में भी और इस वाले साइड में भी क्या है, तो एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, सिर्फ और सिर्फ टी की ही झाड़ियाँ हैं। ऑल नीटली प्रून, प्रून मतलब कट, ठीक है, ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और सभी को एक ही हाइट तक क्या किया गया, प्रून मतलब कट किया गया। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बाम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वहाँ पे कौन दिखते हैं, तो
टी प्लकर्स के ग्रुप दिखते हैं जो क्या कर रहे होते हैं अपनी बैक पर, ठीक है, अपनी बैक पर बाम्बू की जो बनी हुई बास्केट है वो क्या करते हैं, वो हैंग करते पीठ पीछे, और प्लास्टिक के एप्रन्स पहनते हैं, और जो टी लीव्स है इन्हें वो प्लक करते हैं। ठीक हो गया, चलो अब आगे देखते हैं। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, फिर जो प्रांजल के फादर है वो अपनी जो व्हीकल है उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन कर देते, कम कर देते, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो जा रहा होता है उनके पास से। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जिसके इसमें क्या होता है, टी लीव्स जो है वो भरे हुए होते हैं उस ट्रैक्टर में, इसीलिए टू पास। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, अब ये मिस्टर बरुआ कौन है, तो प्रांजल के फादर का ही नाम क्या है, मिस्टर बरुआ। राजवीर आस्क, राजवीर क्या पूछता है, ये जो है ये सेकेंड फ्लश है ना, या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है, कौन सा, सेकेंड वाला। सेकेंड फ्लश मतलब वो लेते हैं ना फसल, मतलब पहले कुछ महीनों तक फर्स्ट वाली फसल, फिर सेकेंड फसल, फिर थर्ड फसल, ऐसा करते ना एक साल में कुछ कुछ महीनों के लिए होता है। सो ये जो थी, जब राजवीर गया था विजिट करने, तो सेकेंड फ्लश चल रही थी। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये कब तक चलता है, मई से लेकर जुलाई तक। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इस महीनों में जो टी लीव्स आते हैं ना यही सबसे बेस्ट होती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. तो एकदम surprisingly प्रांजल के फादर क्या बोलते हैं कि तुम तो अपना पूरा होमवर्क करके ही आए हो, है ना, टी के बारे में। Yes, Mr. Barua, राजवीर admitted. और राजवीर भी जो है इस बात से सहमत होता है और बोलता है कि हाँ मैं होमवर्क करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन राजवीर की होप क्या रहती है कि वो और भी ज़्यादा कुछ सीख कर जाए यहाँ से, मतलब वो ऑलरेडी पढ़ के आया है लेकिन और भी सीखना चाहता है। मतलब ऐसा होता है ना, जब हमें कहीं पर जाना हो तो उसके बारे में हम कुछ वीडियोस वगैरह देखते उस प्लेस के बारे में, और या फिर कुछ रेड वगैरह करते कि वहाँ पर क्या क्या है देखने लायक, और भी जो स्पेशल चीज़ें होती है वहाँ की उनके बारे में, तो और फिर जब हम जाते तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना उस चीज़ को देखने में। सो कुछ ऐसा ही था इस पार्ट में, जो राजवीर था वो ऑलरेडी होमवर्क करके आया था ना, मतलब उसने क्या किया था, टी लीव्स के बारे में, टी प्लांट्स के बारे में, आसाम के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, तो उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। और वैसे भी हमने चैप्टर में भी देखा कि कितना मतलब ब्यूटीफुल सीन है वहाँ का, मतलब हम ऐसे क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है आसाम। तो यहाँ पे इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।